चंद रोज़ कबल अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान का बड़ा चर्चा हुआ था, जिसमें उन्होंने अमरीकी कौम से ये दरख्वास्त की थी कि आने वाले चंद रोज़ को योम दुआ के तौर पर मनाया जाए और अपने अपने फेथ अपने अपने मजहब के मुताबिक खुदा से कोरोना वायरस से बचाव के लिए दुआ की जाए। उसके बाद से दुनिया भर के सोशल मीडिया पर एक वीडियो गर्दिश कर रही है कि जिसमें अमरीकी ईवान बाला में सदर डोनाल्ड ट्रंप बैठे हैं और उनके सामने एक मुसलमान कुरान करीम की तिलावत कर रहा है, और वीडियो शेयर करने वालों का दावा ये था कि कोरोना वायरस ने दुनिया की सुपर पावर को भी अल्लाह ताला के आगे घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है और गैर मुस्लिम भी कुरान करीम ही में सुकून तलाश कर रहे हैं। वॉइस डेली के आज के मुख्तसर सेशन में ये मनाजिर आप तक पहुंचाएंगे और इनके मुसद्दका होने पर भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके वॉइस डेली के सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए, ताकि दुनिया भर में होने वाले वाकयात से आप लम्हा बलम्हा बाखबर रहें। दोस्तों, अपने इस चैनल के तवस्सुत से हम बारहा इस रुझान की जानिब इशारा कर चुके हैं कि सोशल मीडिया इन्फॉर्मेशन लेने का फास्टेस्ट सोर्स हो सकता है, लेकिन मुस्तनिद हरगिज नहीं। और बदकिस्मती से मुसलमानों में ये रुझान ज्यादा पाया जाता है कि मन घड़त किस्से, कहानियां, दास्तानें और वाकयात दुनिया भर में होने वाले हालात से मंसूब करके मुकद्दस हस्तियों के मुजात के तौर पर पेश किए जाते हैं और दीगर सादा लोह मुसलमान भी आंखें बंद किए इनको सुभान अल्लाह कहकर आगे शेयर करते जाते हैं। लेकिन मसला तब पैदा होता है कि जब कोई जरा सी इस पर तहकीक करता है तो ये दावे झूठे साबित होते हैं, जो इस्लाम की जगहंसाई का बायस बनते हैं। आप सबसे पहले तो अमरीकी ईवान बाला में तिलावत के ये मनाजिर देखिए, फिर हम इस पर गुफ्तगू करते हैं। الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير O humankind, who have created you from a single male and female, Adam and Eve, and made you into nations and tribes and communities, that you may know each other. Verily, the most honored of you in the sight of God is the most righteous of you, and God has full knowledge and is well acquainted with all things. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين And among the signs of God is the creation of heaven and earth and the variation in your languages and your colors. Verily in that are signs for those who know. दोस्तों, अभी ये जो वीडियो आपने मुलाहिजा की है, इसके बारे में सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदा दरखास्त करके कोरोना वायरस से बचाव के लिए ईवान बाला में तलावत कुरान पाक करवाई है। जहां तक सवाल है इस वीडियो के मुसद्दका होने का, तो आपको ये बता दें कि ये वीडियो असली ही है। इस वीडियो में की गई तलावत कुरान पाक की ऑडियो भी असली है और इस तकरीब में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी मौजूद थे, मगर ये तकरीब हालिया नहीं है, बल्कि ये लगभग 3 साल पुरानी तकरीब की वीडियो है कि जिसमें कौमी गिरजाघर में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और उनकी अहलिया गई थीं और इसमें तमाम मजाहिब के रहनुमाओं ने शिरकत की थी और इस मौके पर तिलावत कुरान पाक भी की गई थी। लेकिन कोरोना वायरस के दुनिया भर में फैलाव के पेश नजर इस वीडियो को दोबारा सोशल मीडिया पर शेयर किया गया है और दावा यह किया जा रहा है कि कोरोना से बचाव के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदा दरखास्त करवाकर अमरीकी कौमी असम्बली में तिलावत कुरान पाक करवाई है। इस बात में कोई सदाकत नहीं है और वॉइस डेली के तवज्जो से अपने तमाम सुनने और देखने वालों से भी गुजारिश करें, चंद सेकंड्स निकालकर गूगल पर तहकीक कर लिया करें, क्योंकि जब ये कोई काम इस्लाम का मुखालिफ करता है तो उसके बाद मुसलमानों की जगहंसाई होती है, दुनिया भर में मुसलमानों की जहालत का चर्चा किया जाता है। यही इस मुख्तसर सी वीडियो का मकसद भी था। अगर आप हमसे इत्तफाक रखते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए दूसरे लोगों के साथ शेयर कीजिए। बहुत जल्द किसी और सेशन में दोबारा मुलाकात होगी। अपना और इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए और सुनते रहिए वॉइस डेली।